हेलो फ्रेंड्स, मैं सुजाता आज आप लोगों को बताने वाली हूँ सिंपल तरीके से और कम टाइम में सुंदर सा लेस बनाने सीखिए। और हम आप लोग देख सकते हैं ये वाला सुई है और ये वाला धागा पतला धागा से आज हम आप लोगों को सिखाने वाली हूँ। और ये वाला धागा एक बार यूज कर चुके हैं इसलिए ज़्यादा मोटा नहीं है, पतला हो गया है। और दो कलर बना के आप लोगों को सिखाने वाली हूँ। पहले हम यूज़ करेंगे ये वाला पिंक वाला, उसके बाद ये ब्लू वाला यूज़ करेंगे। चलिए वीडियो में बने रहिए। सुई है आपको जितना जरूरत है उतना ही आप धागा यूज कीजिएगा। तो हम ज़्यादा नहीं ले रहे, काम ही ले रहे, ताकि धागा फंस जाता है तो अच्छा नहीं दिखता है। तो हम जितना जरूरत था उतना हम ले लिए हैं। आप लोग देख सकते हैं, धागा साइड में रख देते हैं, इसका काम नहीं है अभी। चलिए लास्ट में भी दो गो गांठ दे देंगे ताकि सुई का थोड़ा पीछे तरफ मोटा है इसलिए दो गो हम गांठ दो बार दे देते हैं। घुमाते जाना है और इसको अच्छा से देखना है कि मेरा धागा अच्छा से टाइट हो रहा है कि नहीं, कोई चीज देखना है। इसको धागा को इस तरीके से पार करना है। धीरे धीरे इसको इस तरीके से ऊपर लेना है। तो हम इससे थोड़ा इसमें पार किए पहले, उसके बाद उससे ऊपर में हम धागा सुई पार करेंगे। फिर ऊपर में इस तरीके से बनाते जाना। ध्यान से बनाइएगा, धागा थोड़ा फंस जाने से ये ढीला हो जाएगा ना तो अच्छा नहीं दिखेगा, इसलिए थोड़ा ध्यान रख के ये वाला कीजिएगा। तो मेरा हो गया, यहाँ से ये छोटा लिए हैं उससे थोड़ा बड़ा बड़ा होके ऐसे डिजाइनिंग हो गया है। और हम इसमें छोटा लेंगे, देखिए इसमें हम सबसे इसमें लास्ट में पहले जितना छोटा लिए हैं उतना ही हम इसमें छोटा लेंगे, ज़्यादा नहीं लिए हैं, कम ही घुसाए हैं। फिर इसको धागा को इस तरीके से करके इस तरह करना है।
इसको बराबर लेना है, इसमें बराबर लेना है। जितना ही पहले डाले हैं उतना ही आपको यहाँ स्वीपर करना है। इस तरीके से घुमा के और आराम से खींचना है। मेरा धागा थोड़ा फंस गया है तो आगे पीछे हो रहा है। हो गया है। अभी हम इस तरीके से जैसे कि वैसे ही हमको लेना है आगे। तो मेरा धागा ख़त्म हो गया तो हम धागा चेंज करेंगे और दूसरा लेंगे, ताकि डबल लेना पड़ता है ना, इसलिए धागा ज़्यादा दूर नहीं जा पा। दूसरा धागा और ले लेंगे। देख सकते हैं इस तरीके से बना है। मेरा धागा खत्म हो गया, अभी धागा और दूसरा ले रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से बराबर दोनों को लेना है और इसमें धागा को इस तरीके से गांठ बांध देना है, फिर धागा को बराबर कर लेना। ये वाला लास्ट वाला हम काट दिए हैं इसमें, तो इसको इधर इस तरीके से करना है, पीछे तरफ मोड़ देना है। और एक चीज़ आप लोग को बताने के लिए भूल गए हैं, ये वाला ऊपर तरफ का है और ये पीछे तरफ का है। तो आप जो ये वाला हम जो बना रहे हैं वो वाला इधर से अच्छा दिखेगा और इधर पीछे पीछे वाला है। तो हम पीछे वाला से हम सुई को इस तरीके से घुसाएंगे। फिर जहाँ हम सुई पार किए थे उसी में सुई को दोबारा पार करेंगे। फिर इसको इस तरीके से फिर से करेंगे। अभी बड़ा लिए ना थोड़ा फास, इसलिए धागा ज़्यादा बड़ा नहीं लेना चाहिए। बना के कंप्लीट कर दिए हैं, कैसे दिख रहे हैं। फिर हम ब्लू कलर का लेंगे, तो धागा इतना ही हम बचाए हैं और आगे नहीं होगा, इसलिए हम इसको जोड़ने के लिए बड़ा सा इसको काट लेते हैं। उसके बाद ब्लू कलर से हम लोग अभी बनाएंगे।
ये रहा ब्लू कलर। अभी हम इसको जितना हम यूज़ करना रहेगा उतना हम ले लेंगे, निकाल लेंगे। इसमें सुई में पार करेंगे। ज्यादा नहीं लेते हैं, धागा फंस जाएगा। फिर इसको इससे थोड़ा गांठ बना लेंगे, बांध देंगे इसको ताकि ये आपस में छूटे। हल्का ही बांधना है ताकि इसको इस तरह पीछे रख देना है, पीछे साइड इसको इस तरह से दबा के रखना है। धागा ले लेना, जैसे इसमें जितना लिए और जैसे लिए। अभी 20 का बनाएंगे, ये वाला ऐसे ही बनाएंगे। अभी सेम वैसे ही बनाते जाएंगे। ये बनाए वैसे ही इसको बनाते जाना है। फिर इसको इस तरीके से सिंपल है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। इस सिंपल तरीके से लेसे और इसमें कोई भी सीख सकता है। अभी जिस तरीके से इसको बनाए वैसे ही अभी बनाना है हमको, तो हम बना रहे हैं। इसमें ऐसे ही बनाए,
समय से ही हो गया, अभी वाला बांध के कंप्लीट हो गया और हम ऐसे जैसे ही छोटा छोटा हम लिए हैं वैसे ही अभी हमको अभी छोटा छोटा लेना है। और धागा मेरा ज़्यादा लंबा नहीं है, ख़त्म होने वाला है। देख सकते हैं हम बना के कंप्लीट कर दिए हैं। और अब इसमें हम जैसे कि यहाँ पिंक दिए ब्लू दिए, अब मेरा पसंद था पिंक और ब्लू, इसलिए आपका जो फेवरेट कलर है तो आप उसमें अपना कलर भी दे सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम पिंक बनाएं और ब्लू बनाएं तो आप पिंक और ब्लू ही बनाइए, आपको जो कलर अच्छा लगता है वही आप बना सकते हैं। तो मेरा ये कंप्लीट हो गया, आप लोग देख सकते हैं। और जो मेरा वीडियो में न्यू है वो लाइक सब्सक्राइब और बेल बटन ज़रूर दबाइएगा, ताकि बेल बटन दबाइएगा तो जो भी नए वीडियो हम डालेंगे आप लोगों तक पहुंच सके। और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो मेरा वीडियो को देखते हैं उन लोग से उम्मीद करती हूँ कि आप लोग लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट भी करें कि मेरा वीडियो आप लोगों को कैसे लगता है। तो यहीं पर हम वीडियो एंड करते हैं। और आप सब मेरा वीडियो को इतने देर तक देखें इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद।